नमस्कार, कविता इजहर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एनटीए एग्जाम 2020 के रिगार्डिंग आज ही एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ज़्यादा समय न लगाते हुए चलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस डेटेड 6 जुलाई 2020, सब्जेक्ट करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स एंड चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। बेसिकली COVID-19 की विसंगत तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर NTA द्वारा पूर्व निर्धारित दूर परीक्षा केंद्रों को कैंडिडेट्स के आवासीय शहर या उसके आसपास परीक्षा देने के विकल्प हेतु ये विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें आप अदर रिक्वायर्ड करेक्शन के साथ परीक्षा केंद्र के विकल्प पर भी पुनः विचार कर सकते हैं। और इसके लिए पर्टिकुलर डेट से कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 जुलाई 2020 to 15 जुलाई 2020। और NTA के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स हैं, जिसके अंतर्गत आपका फर्स्ट वन इग्नू उसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस के बारे में है, रिगार्डिंग वेबसाइट, ऑफिशियल ईमेल लाइक दैट। ऑल्सो इन सेकंड कॉलम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रिगार्डिंग वेबसाइट एंड ऑफिशियल ईमेल। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वेबसाइट इसका सबका वेबसाइट दे रखा है और साथ में इनका ऑफिशियल ईमेल भी मेंशन है। और नेक्स्ट वन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिजायरेबल है, UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट जून 2020, इसकी रिगार्डिंग वेबसाइट यहाँ मेंशन है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट इसके बारे में मेंशन है। और लास्ट ऑफ ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट है करेक्शंस इन द पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM एंड सबमिशन ऑफ फी इफ एप्लीकेबल अप टू 11:50 PM। नेक्स्ट वन इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हैं, जिन्हें आप इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर विजिट करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो और बाकी इसके लास्ट में लास्ट वाला देख लीजिए, द कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन वेबसाइट एंड रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर एनी फर्दर क्लेरिफिकेशन। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए अगर सबमिटेड फॉर्म में कोई पर्टिकुलर रिक्वायर्ड करेक्शन हो तो देरी ना करें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। Thanks for watching. Thanks to everyone.